वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला भारत बनाम न्यूजीलैंड मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। ये विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मुकाबला, जी हां दोस्तों, वो बदला 2019 विश्व कप सेमीफाइनल का, जी हां, वो MS धोनी का रन आउट आज भी हमारी आंखों में झूलता है। जब भी वो दृश्य आंखों के सामने आता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं। लेकिन वो 2019 था और ये 2023 है, वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। उस दिन की कहानी अलग थी और इस दिन की कहानी कुछ अलग ही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया विश्व कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला, जिसमें रोमांचक था और रोमांस भी था और सस्पेंस भी था। तो आखिरकार किसने मारी बाजी इस मुकाबले में, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आप हमारे पास एक छोटी सी विनती कि चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए नजर डालते हैं इस सेमीफाइनल की तरफ। तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पहले तो शानदार तरीके से टॉस जीता और टॉस जीतते ही किया पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, जी हाँ, जिसकी उम्मीद भी थी और हम पिछले एक दो दिन से चर्चा भी कर रहे थे इसी मुद्दे पर कि क्या भारत पहले बल्लेबाजी करेगा। जी हाँ, और भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, बिल्कुल सही फैसला लिया कप्तान रोहित शर्मा ने, जी हाँ। उसके बाद इन फॉर्म दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरे भारत के लिए शुरुआत करने के लिए। सुमन गिल, एक रॉ टैलेंट युवा खिलाड़ी जिसके बल्ले से पूरे साल रन निकले हैं, जी हाँ, इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी सुमन गिल और हिटमैन रोहित शर्मा, जिसने नजरिया बदल दिया क्रिकेट खेलने का। तेज तर्राट बल्लेबाजी से पूरी दुनिया के गेंदबाज दहशत में, क्योंकि रोहित शर्मा अब बख्शते नहीं किसी को भी, जी हाँ, पहली गेंद से प्रहार कर रहे हैं हिटमैन रोहित शर्मा। और कुछ यूं ही देखने को मिला हमें पहले ऐसे सेमीफाइनल मुकाबले में जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जहां पर रोहित शर्मा और सुमन गिल दोनों के बल्ले से अर्धशतक देखने को मिला। तो लेकिन उसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे तो भारत के लिए हालात बेहद ही सामान्य थे, क्योंकि सुमन गिल और रोहित शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, दोनों ने अर्धशतक लगाए थे, इसलिए आसानी हुई। सुमन गिल के आउट होने के बाद जब विराट कोहली और रोहित के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर मैदान पर उतरे तो इनको वक्त लेने का मौका मिल गया, क्योंकि तेज तर्रार बल्लेबाजी कर गए थे भारत के दोनों दिग्गज ओपनर बल्लेबाज। जी हाँ, बात करें सुमन गिल की तो सुमन गिल ने 53 तो वहीं 71 रनों की धुआंधार पारी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने खेली। लेकिन उसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने भी जमकर मेहनत की इस मुकाबले में, क्योंकि उस समय पर थोड़ी सी कंडीशन लड़खड़ाई हुई लग रही थी, क्योंकि भारत ने एक साथ दोनों विकेट गंवाए थे। लेकिन फिर उसके बाद जबरदस्त पार्टनरशिप लगती है विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के बीच में। जी हाँ, श्रेयस अय्यर ने भी 49 रन बनाए, उसके बाद वो आउट हो जाते हैं। लेकिन विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की इस मुकाबले में और जड़ा डाला उन्होंने ओडीआई का 50वां शतक। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली ने सेमीफाइनल मुकाबले में मारा एक और 100 और कर डाला अपना 50वां शतक पूरा। इस प्रकार से भारत ने विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के सामने 328 रनों का एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। लेकिन जब न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी तो 23.4 ओवर पर ढेर हो गए और सिर्फ 132 रन ही बना सकी। इस प्रकार से भारत ने सेमीफाइनल में जीत हासिल की और 2023 के फाइनल में जगह बना ली है। अब देखना होगा कि दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कौन सी टीम जीत करके फाइनल मुकाबले में भारत से भिड़ने को आएगी।